तो भाई लोग, आज हम लोग सेट फ्रिकिन रोलंस को लेके एलिमिनेशन चेंबर खेलने वाले हैं और देखते हैं कि क्या सेट भैया जीत सकते हैं कि नहीं। मैं यानी कि उनसे जीत सकता हूँ कि नहीं, हालांकि मैं सैमी जेन से खेला था। इस आदमी का तो शक्ल ही मत दिखाओ भाई, दो बार खेलो, एक फिनिशर एक सिग्नेचर से भाई सब निकल जाता है, क्या ही बोलो। चलो नंबर वन में आ जाए भाई, रोमन तो रहेगा ही, इसके अपोनेंट ब्रॉक लेसनर सर आ जाओ। अपन तो फिंड को भी लेते हैं, बहुत टाइम हो गया फिंड अपने यहाँ पर नहीं दिखाया चेंबर में, और किसी लिया जाए आइडिया, कोडी रोड्स को लेते हैं यार, लेटेस्ट सुपरस्टार कोडी रोड्स। वैसे तो सेट का सभी के साथ राइवल है बहुत ज़्यादा, पर अभी चुन चुन के सुपरस्टार लूँगा मैं। और किसी लिया जाए, मैं सोच रहा हूँ कि बॉबी लैशली को ले लेते हैं, रिसेंट सुपरस्टार। चलो सब ठीक है, एलिमिनेशन चेंबर ये ऑन, कस्टम मैच रूल्स में 30 सेकेंड में सब घुसेंगे अंदर ताकि सब रिंग में आ जाए। अरे ये नहीं, ये चलो भाई शुरू किया जाए मैच। चलो तो दोस्तों ये है अपने रोस्टर, 6-6 दुरंधर सुपरस्टार है जिसमें मैं हूँ। ये तो हंसने वाले सेट फ्रिकिन रॉलिंस, इनका नया मॉड, मज़ा आएगा भाई खेलने का कसम से। एक तो मैं चेंबर बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी भोकला दूंगा मैं, तो टेंशन मत लेना यार। एक तो सैमी जेन को लेके खेला था रोमन ने, क्या ही बोलूँ कसम से, सैमी जेन कुछ काम का ही नहीं है। एलिमिनेशन चेंबर में कौन था यार जिसने मेरे को एलिमिनेट किया था, मैं भूल गया यार, कोई तो था, मुझे याद नहीं आ रहा सही बताऊँ तो, कोई तो एक फिनिशर से मैं निकल गया था। और उसके बाद वन ऑन वन मैच लगाया रोमन के साथ, वहाँ पर भी सिर्फ एक सुपरमैन पंच था भाई, एक सुपरमैन पंच से भला कौन हार सकता है यार, क्या ही बोलूँ भाई, कुछ समझ नहीं आता कि एक बंदा सुपरमैन पंच से कैसे हार सकता है। चलो हो रहा है पूरा ये लोड, और लोड होने के बाद पेलम पाल होने वाला है। मैं नंबर वन हूँ, पता नहीं नंबर टू कौन है, वो कौन बदकिस्मत रहेगा जो मेरे से पहले ही मार खाएगा। और वो बदकिस्मत है लेटेस्ट सुपरस्टार बॉबी लैशली ने लक खाया, टक्के रेफरी अच्छे से काम करियो। फिंड भी अंदर, रोमन रिंग से ब्रॉक लेसनर, तीनों बहुत ही डेंजरस सुपरस्टार है। लैशली भी अगर एक दो फिनिशर मुझे दे देगा सभी खतरनाक है। कोडी रोड्स भी है यहाँ पर, ओहो लैशली ऊपर से कूदेगा, 30 सेकेंड रखा था दोस्तों, इसीलिए एक और सुपरस्टार बाहर आता हुआ, पता नहीं कौन आ रहा है भाई। 2K23 आने वाला, और आपने 2K23 का स्पीयर देखा है क्या, कितना मस्त है, दोनों मेरे लेटेस्ट राइवल, सबसे लेटेस्ट बॉबी लैशली और कोडी तो है, पता नहीं कोडी क्या करने की कोशिश कर रहा था, जो भी करने की कोशिश कर रहा था फेल ही हुआ। कोडी रोड्स फिनिशर मत दे प्लीज, जो मारना है मार, फिनिशर मत दे यार। कौन आ रहा है बाहर, ओहो भूता इंसान आ रहे, देखा फिनिशर दे रहा था, ये बच गया भाई। द फिंड मार खा रहा है यार बेचारा, मभी भी पाया भाई, दो फिनिशर से बचा हुआ, एक हंट लॉक और एक कोडी, क्या बोलते हैं यार, अरे इसका फिनिशर का नाम क्या था, कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स का, एक और फिनिशर भाई मैंडी में क्रॉस भी बचा भाई, लोग तीन सुपरस्टार से तीन फिनिशर में बचा हुआ। ओहो यह है एलिमिनेशन चेंबर का सबसे खतरनाक सुपरस्टार, ये सबसे खतरनाक है ब्रॉक लेसनर, और मुझे पता था मेरे पीछे पड़ेंगे। हंट लॉक किसको पड़ा, कोडी रोड्स को, ब्रॉक लेसनर बहुत खतरनाक है, टकले रेफरी किधर है, रोमन भी आ गया, 6-6 सुपरस्टार रिंग के अंदर, मैं अभी तक एक भी फिनिशर ने खाया हूं, और रोमन आते ही फिनिशर खाए सीधा F5 पड़ा रोमन को। अरे लेसनर भाई खा लेता DDT, क्या होता तेरा,
एक और एफ भाई, रोमन की तो चटनी बना दी। रोमन का हेल्थ भाई, रोमन अभी अभी आया था और ब्रॉक लेसनर ने रोमन को पेल दिया। मैंने कहा था ब्रॉक लेसनर सबसे खतरनाक सुपरस्टार है पूरे चेंबर में। ये देखो दोनों मिल के मार रहे हैं कोडी रोड्स को। एक और एफ मार रहा था क्या रोमन? ये ओ भाई रोमन ने ब्रॉक का एफ दे दिया। रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर रियल में भी चलता है, यहाँ पर भी चल रहा है। हार्ट लॉक मैंने रिवर्स किया। पेडिगिरी, अरे रोमन तेरे को, सो जा भाई, मेरा डॉग उड़ गया। सो जा सॉरी। मौत कसम, मैं अपने जे को सुला रहा था और पीछे से एलिमिनेट कर दिया। भाई मैं क्या बोलूं यार, मेरा डॉग जो है जे वो सो रहा था, मैंने जोर से चिल्लाया वो उड़ गया, उसको सुलाते सुलाते मैं यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं किसी को लेके खेलता हूँ, चार चार सुपरस्टार बाकी है, इतना टाइम तो नहीं रुकूंगा मैं किसी को। चलो कोडी को लेता हूँ, लेटेस्ट सुपरस्टार है और बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए भाई। माँ कसम यार, क्या ही बोलो यार, क्या यार सेट जीत नहीं पाया। एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी ध्यान ही नहीं था, मेरे को पॉज करना चाहिए था गेम। किसकी भी गलती नहीं है। एक तो मुझे स्पीयर क्यों पड़ा मेरे को समझ नहीं आया, मैं रोमन से लड़ भी नहीं रहा था, अचानक स्पीयर दे दिया भाई ने और मैंने जोर से चिल्लाया तो वो उड़ गया बेचारा। वो उसकी भी गलती नहीं है, वो सो रहा था, इतना जोर से मैं चिल्लाया उठेगा ही वो। हाँ मार ले रोमन, मेरे पास सिग्नेचर है ना, तो रोमन को एक सिग्नेचर मारता हूँ। बॉबी लैशली नंबर टू से टिका है, मैं भी टिकता पर रोमन ने टिकने नहीं दिया। ये पड़ा सिग्नेचर रोमन रिंग्स को। सुप्लेक्सिटी, इसे कहते हैं डबल धमाका, एक नंबर। रोमन की, रोमन गया भाई, एक साथ दो दो सिग्नेचर। लैशली को एलिमिनेट किया जाए। रोमन गया, टकले जल्दी गिन वन बैट टकले, परमिशन लेके बैठ गया हूँ। कोडी रोड्स को जिताना है यार, कोई तो जीते। हाँ नाइस, लास्ट में बचा भी है तो ये आदमी बचा है, वो भी पूरा हेल्थ के साथ और एक फिनिशर लेके बचा है। ब्रॉक लेसनर से पंगा बहुत भारी पड़ता है, ब्रॉक को हराने का एक ही तरीका है, मारते रहो भाई, रुको मत, अगर रुकोगे तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं बात में। मारते रहो बस। ओ भाई रिवर्स किया मैंने, फिनिशर है मेरे पास। ये देखो भाई, ओ भाई क्या रिवर्स किया, स्टंट कर सकता हूं मैं, गलत लात पड़ा है लेसनर को। बहुत बढ़िया कोडी, अच्छा खेल रहा है। अरे भाई एमएमए फाइटर है ब्रॉक लेसनर, यूएफसी चैंपियन, यहाँ पर एफ फाइव मत मारना भाई, ये बात। अभी तो लेसनर खाने ही वाला है, लेसनर को अभी कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई कोडी पागल है क्या, फिनिशर मार। क्रॉस रोड जल्दी कर, वन टू
अरे भाई Brock Lesnar is so feared that there was exhibit A. The beast does not die. अरे भाई साहब या ब्रॉक लेसनर चेंबर में पता नहीं क्या हो जाता है यार। मेरे पास एक फिनिशर एक सिग्नेचर है पर ये मारने रहेगा तो ना। मैंने कहा था लेसनर को एक ही तरीके मारते रहो, अगर रुकोगे तो खत्म है मैच। फिनिशर भी है एक और बार ये मूव। बस 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 अरे ये कितना रिवर्स कर रहा है यार। जब भी स्टंट होने आता तभी रिवर्स कर देता है ब्रॉक। एफ आई नहीं घूमटा के बाहर फेंक दिया। इज्जत ही नहीं आपने। एफ आई मारेगा पक्का। अरे ये क्या हुआ। बस एक दो मूव पड़ा था ब्रॉक खत्म। हाँ रिंग के अंदर फटाफट भाग ले। क्रॉस रोड देने का समय है मेरे पास। अरे ये मारने ही नहीं दे रहा कुछ। घुमा क्या क्रॉस रोड। एक और मां कसम दो क्रॉस रोड दिया है। प्लीज जीत जा यार। टकले जल्दी गिन। 1 2 थैंक यू। सो जा कम से कम सेट नहीं तो कोड़ी सही। इसको तो लेकर जीता हूँ और एलिमिनेट भी किया ब्रॉक को जो सबसे खतरनाक सुपरस्टार है भाई। पर बहुत सारे सीन्स अच्छे हुए। ये वो स्पीयर था जहाँ पे मैं एलिमिनेट हुआ हूँ। पता नहीं मैं क्यों एलिमिनेट हुआ। छोड़ो हो गया तो हो गया। रोमन रेंस बाहर आया था। ब्रॉक ने 2-3 एफ आई लगाया। उसके बाद रोमन ने ब्रॉक को एफ आई लगाया भाई। एक नंबर हर जगह क्रोडी रोड जीत रहे। अभी रियल लाइफ में भी रॉयल रंबल जीते रोड। बहुत अच्छी बात है यार। क्रोडी रोड रिटर्न आने के बाद द अमेरिकन नाइटमेयर एक भी मैच नहीं हारे अभी तक। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो। सेट को जिताना था पर हमने क्रोडी को जिताया। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।